हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज़ीरो टू इन्फिनिटी में। आज का वीडियो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था कि डिप्लोमा के बाद क्या करना बेस्ट रहेगा। तो इस पर कुछ एनालिसिस मैंने किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए बन जाइए हमारी ज़ीरो टू इन्फिनिटी फैमिली के मेंबर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आप लोगों के सामने होता है। इस स्थिति में तीन ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, आप कोई प्राइवेट जॉब करें। लेकिन इस ऑप्शन को चूज़ करने की सलाह मैं आपको केवल तभी दूंगी जब या तो आपको कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल गई है, आपका कैंपस सिलेक्शन हो गया है, या फिर कोई अच्छी सैलरी पैकेज पर आपको कोई जॉब मिल गई है, या फिर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी हैं कि आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये करने की सलाह नहीं दूंगी। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बेटर ऑप्शंस को चूज़ कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। अभी वैसे भी कोरोना पैंडमिक के दौर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स का करियर इतना अच्छा नहीं है, इतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन के बारे में सोचिए। सेकेंड ऑप्शन है कि आप प्रिपरेशन कीजिए गवर्नमेंट जॉब की। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उत्तराखंड में SSSC यानी कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन की तरफ से टाइम टाइम पर उत्तराखंड की पब्लिक सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स वैकेंसीज जारी की जाती हैं, जैसे कि PWD, UPCL, पिटकुल, पेयजल निगम, इस तरह के सभी PSUs में वैकेंसीज निकलती रहती हैं जूनियर इंजीनियरिंग की। तो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और बेटर ऑप्शन ये रहता है कि सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। RRB में असिस्टेंट लोको पायलट है, RRB JEE की पोस्ट बहुत बढ़िया होती है, और डिफरेंट PSUs में यानी जो सरकारी कंपनीज होती हैं, जैसे HP है, इंडियन ऑयल है, सेल है, BHEL है, BEL है, और ISRO, DRDO वगैरह में भी निकलती है, डिफेंस में भी निकलती हैं JEE के लिए, और बहुत ही जाना माना और बहुत लोग जो करना चाहते हैं SSC JEE की पोस्ट निकलती रहती हैं। तो ये सारी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं, जिनके लिए आप एक साल की अच्छी डीप स्टडी करेंगे, तैयारी करेंगे तो आप निकाल सकते हैं, और एक अच्छी रेपुटेशन वाली जॉब आपको मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी लगभग 40,000 आपकी होती है, और आप इन सभी में एज ए जूनियर इंजीनियर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरी आपके सामने ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन आपके सामने आता है कि आप डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन के को ऑप्ट करें। हो सकता है कुछ डिप्लोमा होल्डर्स ने पॉलिटेक्निक के साथ साथ ओपन यूनिवर्सिटी से BA वगैरह किया हो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने टेक्निकल ब्रांच में डिप्लोमा किया है तो आप टेक्निकल ही ग्रेजुएशन भी कीजिए, आप BTech कीजिए, और इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने होती है। तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूँगी। उत्तराखंड में एक लेटरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, UKSEE, उत्तराखंड स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसको UTU यानी कि उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है BTech में लेटरल एंट्री यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए। तो इस टेस्ट के थ्रू आप BTech के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और 3 साल में आपका BTech कंप्लीट हो जाता है। तो UTU इसका फॉर्म जो निकालती थी पिछले साल तक, वो अप्रैल में निकालती थी और जून तक इसका एग्ज़ाम हो के रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाता था और जुलाई अगस्त तक एडमिशन स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण अभी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वैसे पहले ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होता था, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। तो देखिए आगे क्या होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होती थी वो है
या तो आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपने उत्तराखंड से अपना डिप्लोमा किया हुआ रहना चाहिए और 45% आपकी एटलीस्ट बीएससी में और या फिर डिप्लोमा में होनी चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए रिलैक्सेशन है, 40% में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पेपर आता था 100 मार्क्स का आता था और एक मार्क्स के क्वेश्चन आते थे और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये हम कह नहीं सकते कि इसका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों एक न्यूज़ ये भी आई है कि यूटीयू इस बार मेरिट बेस पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट को भरने के बारे में सोच रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस बार लेटरल एंट्री की ये सारी वैकेंसीज़ भी मेरिट के थ्रू फिल की जाए। तो ये बहुत अच्छा मौका आप लोगों के सामने रहेगा। इसके थ्रू आप उत्तराखंड के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे कि विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है द्वाराहाट में, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में है, और पौड़ी गढ़वाल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, टनकपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है गोपेश्वर में, सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिथौरागढ़ में, THDC टिहरी में, और वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में। ये सारे ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप बीटेक के सेकेंड ईयर में किसी भी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। पहले टेस्ट की मेरिट के बेस पर होता था, इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपके पॉलिटेक्निक में मार्क्स की मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाए। एक बार आप बीटेक कर लेते हैं, आप गेट की तैयारी कीजिए, तो जहाँ पर आप डिप्लोमा के बाद जेई की तैयारी कर रहे थे, जेई बनने के बारे में सोच रहे थे, बीटेक के बाद आप एई बन सकते हैं। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एमटेक करके और बेहतर आप अपने करियर को दिशा दे सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस ऑप्शन के बारे में गंभीरता से सोचिए। और भी आगे जो भी अपडेट्स होंगी इससे रिलेटेड, आगे अगर कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और आप भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सारे साथियों से शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।